हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3। तो पिछले क्लास में हमने 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखा था, जहां पर हमने देखा था कि कैसे हम डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाय क्यू की फॉर्म में लाते हैं। इसमें हमने दो मेथड देखी थी, एक ये वाली थी और एक और में हमने देखी थी जो कि ईजी मैथड थी, जिसमें हम फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वन को सेकेंड में से और हमारा आंसर आ जाता है। तो हम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आगे के क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 0.47 और यहाँ पर 7 के ऊपर बार लगा है। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। सबसे पहले हमें मानना पड़ता है कि ये जो 0.47 जो भी हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया है, इसे हम क्या सपोज कर लें, एक्स सपोज कर लें। तो लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.47 और 7 पे हमारा बार है। अब हमारे को अगले स्टेप में क्या करना है, एक्स को खोल के लिख देना, दैट इज 0.47 के ऊपर बार है, मतलब 7 7 7 7 और ये जाता जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है। आगे हमें क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा कि जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है, जितने नंबर के ऊपर बार होता है, यहाँ पे 7 मतलब एक नंबर के ऊपर बार है, तो हमें इस इक्वेशन में दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब जब एक के ऊपर बार होगा, एक डिजिट के ऊपर, तो हमें 10 से, दो के ऊपर होगा तो 100 से, और तीन के ऊपर होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 और ये 10 हम दोनों साइड करेंगे तो ऑन बोथ साइड, ये किया तो हो जाएगा 10x और यहाँ पे जब हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये एक आगे कूद जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.7777 और ये आगे जाता जाएगा। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना है, हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, देखो 10x में से x जाएगा, x में से 10x जाएगा तो नंबर माइनस में आएगा, इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में, इसलिए हम क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकेंड, ताकि फ्रॉम के बाद वाली चीज़ जो है वो पहले आ जाए सब्ट्रैक्शन करते टाइम। तो 10x को लिखा ऊपर, 10x इज इक्वल्स टू 4.7777 और ये आगे बढ़ता जा रहा है, इसको लिखा तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 0.4777, एक और 7 लिख देते हैं तो ये भी 7 और ये आगे बढ़ता गया। अब हमने इसको माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ से लेके आगे जितने भी हैं वो 7 है, ऐसे यहाँ से लेके जितने भी आगे 7 है, तो यहाँ तक तो जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो गई, 0 0 और ये 0 0। 7 में से 4 गया तो बचता है 3, ठीक है, पॉइंट का पॉइंट उतारा और 4 का हमने एज इट इज़ 4 उतारा। 10x में से 1x चला जाएगा तो बचेगा 9x। अब क्या होगा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, 9x इज इक्वल टू 4.3, 0 0 0 हमने हटा दिया, x यहीं रहेगा, 9 डिवाइड में चला जाएगा तो 4.3 डिवाइडेड बाय 9, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, x की वैल्यू हो गई 43/90 जो कि हमारा आंसर हो गया पी बाय क्यू की फॉर्म में। अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है 0.001 और इन तीनों के ऊपर बार है, तो ये भी बहुत सिंपल है, जैसे अभी हमने किया सॉल्यूशन डालेंगे, लेट किया इसको एक्स, तो लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.001 बार, अब इसको हम खोल के लिख लेते हैं, मतलब 001 रिपीट हो रहा है, तो 001 001 001 001 और ये आगे जाता जा रहा है, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय कितने के ऊपर बार है, 3 नंबर के ऊपर बार है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हम कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1000x और यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये 3 नंबर आगे बढ़ जाएगा, मतलब 1 2 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 001.001001 एज इट इज। तो हम इसको लिख देते हैं 1000x इज इक्वल्स टू 1.001001 और ये आगे जाता जा रहा है, 00 को हटाते हैं तो 1 बचा, इसको हमने नाम दिया सेकेंड। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम
सॉरी सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम सेकेंड। अगले पेज पे देखते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000x ऊपर लिखेंगे 1.001001 और यहाँ पे लिखा x इज इक्वल्स टू 0.001001 और ये माइनस किया तो ये वाला पार्ट इतना पॉइंट के बाद वाला हो गया जीरो और वन में से जीरो गया तो 1.000 और 1000x में से एक x जाएगा तो 999x बचेगा। इसका मतलब 999x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू हो गई 1/999। तो ये हमारा आंसर हो गया, x हम लेकर आ चुके हैं p by q की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p by q। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म पी by q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर इन क्लास में डिस्कस बाय द आंसर मेक सेंस। तो कुछ नहीं है, हमें सेम एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया था ना, वही चीज़ें सॉल्व करनी है। देखिए एक्सप्रेस करना है 0.999 को किस में, पी by q की फॉर्म में। आंसर देखोगे सरप्राइज हो तो बता देना, वैसे इतना कोई सरप्राइज वाली बात लगेगी नहीं हमें, क्यों, क्योंकि सेम चीज़ तो ऊपर कर कर आए हैं और जब क्लास में जाना अपनी तो डिस्कस भी कर लेना। ओके तो सॉल्व करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 0.9999 और ये जो आता जा रहा है इसको एक्स मान लिया। ठीक है अब थोड़ा इसको सिस्टमेटिक लिखते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 0.9999। अब देखो एक्चुअल में जो 0.999 क्या है, 0.9 बार, मतलब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो हमें दोनों साइड किस चीज़ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ 10 का। तो मल्टीप्लाइंग, इसको नाम दिया इक्वेशन वन, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय 10 ऑन बोथ साइड, इसमें दोनों साइड का आएगा मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो हो जाएगा 10x और ये पॉइंट एक हो जाएगा आगे 9.9999 और इसको हम नाम दे देंगे सेकेंड इक्वेशन। सेम पिछली बार की तरह सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, तो 10x इज इक्वल टू 9.9999, x इज इक्वल टू 0.9999, माइनस किया ये तो पूरे हो गए जीरो, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 9, 10x में से एक x किया तो 9x, तो हमें क्या मिला 9x इज इक्वल टू 9, मतलब x इज इक्वल टू 9/9 और x की वैल्यू आ गई 1। लो x हमारा क्या आ गया 1। तो ये रहा इसका आंसर, सॉरी ये स्क्रीन आपकी गायब हो गई होगी, ये रहा इसका आंसर। यहाँ पे थे हम कि 10x ये लिया, x ये लिया माइनस करते टाइम, इसमें से ये क्या तो 9x बचा और ये वाला पार्ट पूरा माइनस हो गया, तो 9-0 हुआ 9। अब 9x हो गया 9 के इक्वल, x यही रहा 9 को भी जब डिवाइड में, तो x हो गया 9/9, तो x हो गया 1। 1 को आप 1/1 भी लिख सकते हो, मतलब पी by q की फॉर्म में, तो x इज इक्वल्स टू 1/1। तो ये हो गई आपकी p by q की फॉर्म, है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप 1 को 17 से डिवाइड करोगे तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसमें कितने रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आएंगे, मतलब कितने नंबर बाद जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है वो रिपीट करेगा, तो हमें ये बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व 5, हमें क्या करना है, हम करेंगे डिवाइड, तो जो नीचे लिखा होता है वो आएगा बाहर, अंदर जाएगा 1। अब देखो ये जो डिवाइड है बहुत बड़ा होने वाला है, तो हमें बिल्कुल पेशेंस रखते हुए इसको सॉल्व करना है। 1 जो है वो 17 से छोटा है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 10 वापस 17 से छोटा है तो एक और 0 बढ़ाया यहाँ पर और यहाँ पर एक और 0 बढ़ाया। अब 17 के टेबल में 100 तो नहीं आता, पर उससे छोटा नंबर आता है 85, कितनी बार में आता है 5 बार में, तो 17 5 ज़ा 85 माइनस कर देते हैं,
टेन में से फाइव गया बचा फाइव, नाइन में से एट गया बचा वन, और ये तो हो गया जीरो। अब 15 पॉइंट टू पर लग चुका है, जीरो हम खुद से बढ़ा सकते हैं। क्या 150 आता है? 150 नहीं आता। और 17 नाइन जो हो जाता है 153, तो 17 एट जा 136 आता है। 17 एट जा 136 माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4। तो 10 में से 6 गए बचा 4, 4 में से 3 गए बचा 1। फिर से एक और जीरो मन से लगा सकते हैं। अब क्या होगा, 140 आता है? नहीं आता। फिर से 8 बार में हमको क्या लिखना पड़ेगा, 136 माइनस किया, 140 में से 136 जाएगा तो बचेगा 4। अब देखो तो रिमाइंडर क्या बचा, 4। अब फिर से मन से एक जीरो लगा सकते हैं। तो 17 के टेबल में 40 आता है? नहीं आता। 2 बार में क्या आता है, 34 आता है। फिर इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर से एक और जीरो बढ़ाया, 60 आता है? नहीं आता। 3 बार में कौन आता है, 51 आता है। 60 में से 51 जाएगा 9। फिर से मन से जीरो बढ़ाया, 90 आएगा। हाँ, 5 बार में 85 आएगा। फिर 5 जब इसमें से जाएगा 85 तो आ जाएगा 5। फिर से ज़ीरो बढ़ाया तो 50 तो नहीं आएगा, 2 बार में वापस 34 आएगा। अभी तक कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, हम देख पा रहे हैं 34। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1। वापस 16 तो छोटा है, ज़ीरो लगेगा, तो 160 नहीं आता। 9 बार में आता है 153, 9 बार में आता है 153, ये हो जाएगा 7 बचेगा। वापस एक और जीरो लगाया तो आया 70, 70 वापस नहीं आना, 17 फोर जो होता है 68, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। एक और जीरो लगाया, 20 हुआ, 20 नहीं से फिर 17 वन जा होता है 17, माइनस किया 3 बचा, ज़ीरो लगाया वापस 17 वन जा 17, ठीक है, माइनस किया, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, 7, 8, 9, 10, 2 में से 1 गया 1, 13, 130, 130 आता है? नहीं आता। 17 सेवन जा होता है 119, 17 सेवन जा 119, माइनस कर दें हो जाएगा 10, हो जाएगा 2, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 110, 110 नहीं आएगा, 17 सिक्स जा होता है 102, 17 सिक्स जा 102, 8 आया, 0 बढ़ाया, 80 आएगा? नहीं आएगा। 17 फोर जा होता है 68, 17 फोर जा 68, ये हो गया 10, ये हो गया 7, 12। फिर से एक और जीरो लगाया, 120 नहीं आता, 7 बार में आएगा 119। देखो रजिस्टर के पेज ख़त्म होते ही हमारा डिवीजन भी क्या हो रहा है, ख़त्म होने को आ गया है। 119 क्या मिला हमें वापस, 1, मतलब हम जिस स्टेज पे थे वो 1 हमको अब मिल गया है वापस। हम क्या करेंगे, ऊपर एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, नीचे मन से एक ज़ीरो तो बढ़ा ही सकते हैं, फिर हम ऊपर एक ज़ीरो बढ़ाएंगे और नीचे एक और ज़ीरो बढ़ाएंगे, तो वापस कौन आ गया, 100। तो यहाँ से नंबर रिपीट होना हो गए शुरू। तो अब हम इसका कंक्लूजन दे सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं कि बाय परफॉर्मिंग द एक्चुअल डिवीजन वी गेट, हमें क्या मिला, 1/17। आंसर हम देखते हैं बगल से, ये लिखा है 0.05823529411764। इसके बाद वापस 05 आने लगा था, मतलब वापस पूरी चीज रिपीट होती तो हम इसके ऊपर लगा देंगे बार। तो हमें क्या मिलता है कि ये आंसर मिलता है, ये उसके ऊपर हमने लगा दिया बार।
तो 16 बार में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बार ये हुआ। जैसे ही 16 होगा ये रिपीट करने लगेगा अपने आप को, तो हम क्या लिखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स दैट देखो 4 के बाद ना हम 7 लिखना भूल गए। लास्ट डिजिट क्या थी, 119 आई थी इस बार जब हम डिवीजन किया था, तो 4 के बाद एक बार 7 आएगा है ना, तो यहाँ से 16 नंबर होने चाहिए, तो अब 16 हो गए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज 16। मतलब 16 डिजिट बाद क्या होगा, अपने आप को ये ब्लॉक रिपीट करने लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।